घातक एक कल्ट क्लासिक रचना है। ऐसी फिल्म अब दोबारा से बन ही नहीं सकती। इस फिल्म को लोग ये मजदूर का हाथ है कात्या जैसे डायलॉग की वजह से याद रखते हैं, लेकिन ये फिल्म उससे कई अधिक है। फिल्म के एक सीन में काशी का पिता अस्पताल में भर्ती होता है और उसे पता लगता है कि उसके पिता को कैंसर हो गया है और उसे ये बात अपने पिता से छुपानी होती है, लेकिन काशी अपना दर्द छुपा नहीं पाता और अपने पिता के सामने रोने लगता है। ये सीन जितनी बार भी देखा जाए इमोशनल कर देता है और साबित करता है सनी देओल भी उच्च लेवल के एक्टर हैं। फिल्म के एक अन्य दृश्य में काशी का भाई काशी से कहता है कि ये जगह मैं छोड़कर गांव जा रहा हूँ, गांव में भी अपनी ज़मीन है। इसके जवाब में काशी कहता है कि कौन सी ज़मीन भैया, बुजदिल की कहीं कोई ज़मीन नहीं होती। आज आप कात्या के डर से ये जगह छोड़ रहे हैं, कल को गाँव में कोई कात्या पैदा हो गया तो कहाँ जाओगे। ये सीन भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक है। ऐसे डायलॉग वर्षों में एक दो बार ही लिखे जा सकते हैं। देखने वालों के रगों में भी ये सीन जोश भर देता है। इस फिल्म से पहले अमरीश पुरी सैकड़ों फिल्मों में विलन का रोल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक रोगग्रस्त लाचार पिता की भूमिका निभाई थी। अपने बेटे काशी को बचाने के लिए वो कात्या के पैरों में जाकर गिर पड़े थे। ये सीन देखने में दर्दनाक था, लेकिन इस सीन में अमरीश पुरी साहब ने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया है। अपने पिता और भाई की मौत के बाद तो जब जब काशी का मुकाबला कात्या और कात्या के भाइयों से होता है, तब तब लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई फिल्म ना चलकर कोई लाइव घटना चल रही है। ये राजकुमार संतोषी के उम्दा निर्देशन का कमाल था। लास्ट के कुछ दृश्यों में ऐसा लगता है कि सनी देओल सचमुच में ही इन लोगों को मार देगा। सनी देओल को घायल के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन घातक फिल्म घायल से भी कई ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।